सोमवार को कोसीकला नगर पालिका परिषद कार्यालय में पालिका के आधा दर्जन से अधिक सभासदों ने पालिका कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर होने वाली बैठक का विरोध किया, जिसमें मौजूद सभासदों ने लामबंद होकर पालिका अध्यक्ष पर मनमाने तरीके से बेशकीमती जमीन को कब्जे में करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, सभासदों ने यह भी कहा कि पालिका के कार्यों के लिए खरीदे गए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अन्य सामानों सहित कूड़ेदानों की खरीद राशि में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। कई बार से लगातार बोर्ड बैठक का बहिष्कार करने वाले सभासदों ने न्यायिक जांच करने के लिए जिला प्रशासन सहित प्रदेश सरकार को लिखित शिकायत दे चुके हैं। सभासदों ने बताया कि जब तक पालिका अध्यक्ष के 4 साल के कार्य की जांच नहीं हो जाती, तब तक बोर्ड बैठक का बहिष्कार करते रहेंगे। आपको दिखाई दे रहे इन सभी सभासदों ने एक बार फिर जिला प्रशासन सहित प्रदेश सरकार को जाँच कराने के लिए पत्र लिखे है। सुनिए क्या कहते हैं बाढ़ सभासद। नगर पालिका में कोसीकला नगर पालिका में पिछले 4 वर्षों से जितने भी कागज काम के कराए जा रहे हैं वो सभी केवल दस्तावेजों में लिखे रहते हैं, ना कि रोड पे या किसी वार्ड में कोई कार्य नहीं कराया जाता। अभी तक हम 21 मेंबर इसी की मांग शासन प्रशासन में करते आए हैं कि हमारी जितने भी विकास कार्य कराए गए दर्शाए गए उनकी स्पेशल रिपोर्ट हो जाए। हमारी मांग